हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायर डिजिटेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ टेक अपडेट्स जो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने लास्ट 2-3 मंथ्स में बहुत सारे स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च किया है। वो एम सीरीज़, ए सीरीज़ और एस सीरीज़ का फ़ोन है। तो सैमसंग ने क्या किया, उसका जो 1.5-2 साल पुराना जो फ़ोन था, जो M10, M10s, M20, ये सबको डिसकंटिन्यू कर दिया है। और आगे चल के शायद से सैमसंग M30 और M30s को भी डिसकंटिन्यू कर देगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। तो ये जो फ़ोन है, ये M10, M10s, M20, ये अभी और आप नया परचेस नहीं कर सकते। दोस्तों, जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो है पोको की तरफ से। पोको ने इंडिया में लॉन्च करने वाला है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। पोको ने ये कंफर्म कर चुका है, जहाँ पे पोको एक पोल रखा था लोगों से और सब ने बोला उनको ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए, तो पोको की तरफ से। तो जल्दी ही इंडिया में ये शायद लॉन्च होने वाला है। जो न्यू पोको का जो अपकमिंग स्मार्टफोन्स आने वाला है या फिर अलग से कोई लॉन्च इवेंट्स, उसके साथ ही पोको शायद से ये लॉन्च करने वाला है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो है स्मार्टफोन रिलेटेड। 192 मेगापिक्सल कैमरा। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर के साथ ये 192 मेगापिक्सल वाला कैमरा नेक्स्ट मंथ ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड के साथ ये 192 मेगापिक्सल कैमरा आ सकता है, शाओमी, रियलमी, पोको या सैमसंग? ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो है OnePlus की तरफ से। OnePlus ने लॉन्च कर दिया है 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग सिस्टम, जो कि आपको आने वाले जो OnePlus का फ़ोन्स है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, जहां में आप सिर्फ आपको फ़ोन को 30 मिनट्स में 50% तक का चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो रेनो एस 2, जो कि ओप्पो की तरफ से लॉन्च होने वाला है 13th of April, जिसमें 40 वॉट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग का फैसिलिटी आपको देखने को मिलेंगे। जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तब पूरे डिटेल के साथ आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट ने अभी ऊबर के साथ एक पार्टनरशिप करके एसेंशियल आइटम्स को डिलीवर करने का डिसीजन लिया है। जो ये लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपको कुछ एसेंशियल सामान मंगाना है फ्लिपकार्ट से, तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और फ्लिपकार्ट ये आपको ऊबर के थ्रू डिलीवर करेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स, जो लास्ट अपडेट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको मैं अभी देने वाला हूँ वो है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने अभी जो हमारा जो फॉरवर्डिंग मैसेज, जो आप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उसका लिमिट को 1 कर दिया है। मतलब आप सिर्फ एक मैसेज को, जो फ्रीक्वेंट मैसेजेस हैं वो आप सिर्फ एक ही बार फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले वो अनलिमिटेड था, फिर बाद में उसको 5 में रिड्यूस किया, अभी सिर्फ एक ही बार आप उस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ज़्यादा मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। मैं फॉरवर्ड उतना नहीं करता हूँ, बट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, यही था कुछ टेक अपडेट्स आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।